तो स्टार्टिंग में जो गेम प्ले देखा है ना गाइस, ये आज के गेम प्ले में होने वाले हैं। तो हम लोग आए हुए कोर सर्कल के स्टेशन में, और इधर आए हुए ढेर सारे बंदे। जैसे इधर आता हूँ कुछ भी नहीं मिलता है, देख कार्ड एंटीट देखा कुछ भी नहीं मिला। फाइनली मुझे मिल जाता है M4 स्कारल। जैसे मुझे M4 स्कारल मिल जाता हूँ, मैं नॉक करता हूँ तुरंत, ले बेटा चल लॉबी निकल। सॉरी गाइस, ये लॉबी नहीं जाएगा, वापस आएगा, क्योंकि इसके पास एक लाइफ है। तो जैसे इसको फिनिश करके राइट साइड की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, तो वो बंदा अपना टीममेट को नॉक और फिनिश डाल देता है। ये एक्चुअली रैंडम गेम प्ले है, हम इतना प्रो नहीं कि सोलो बेसिस स्कोर करें, हम अपना स्कोर के साथ ही प्रो बनते हैं। ठीक है गाइस, हेलो हेलो गाइस, कैसे हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है खमुन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल की कमेंट्री इतना गंदा गया है ना गाइस, कि मेरा फ्रेंड लोग ने मैसेज करके बोल रहे, तू इतना गंदा कमेंट्री कर रहे, मत कर मत कर। मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं फिर आज कोशिश कर रहा हूँ कि कल से नहीं करूँगा कमेंट्री, ये सोच के कर रहा हूँ। ठीक है, ये बताने के लिए कि कल से कमेंट्री नहीं करूँगा। ओ माय गॉड, क्या था ये, कहीं भी कुछ भी, माँ किया। चल लॉबी निकल बेटा। जैसे उसको नॉक करके फिनिश करके पूरा नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि और भी बंदा था। तो नीचे आने का साथ साथ मुझे फुट स्टेप आता है लेफ्ट और राइट से, फ्री फायर देता हूँ एक, ये ले बेटा, स्काउट वाले रिफ्लेक्स से मार देता हूँ उनको। तो जैसे ये बंदा को फ्री फायर देता हूँ, ये बंदा एक्चुअली बहुत साथी था, जो लास्ट बंदा इसको मारूंगा ना, देखना गाइस, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहा है। मैं फिर से इसको मारूंगा स्काउट के रिफ्लेक्स से, ले बेटा ये ले FPP वाला स्काउट वाले रिफ्लेक्स। ठीक है, चल बेटा लॉबी निकल, चल बेटा तू भी जा, तू भी जा, मिलना अगले मैच में। ठीक है, तो यहाँ में फाइनली हम लोग झंडा गाड़ देते हैं। तो वो जगह को हम लोग साफ करके आ चुका हुआ था। जैसे इधर आता हूँ गोरे गोपाल में एक बॉट मिल जाता है, इसको नॉक कर फिनिश करता हूँ। जैसे कंटेनर के पास आता हूँ, बंदा स्पॉट हुआ लेफ्ट पे और एक बंदा राइट पे, उसको तुरंत नॉक करता हूँ। तो मैं वो बंदा को तुरंत पुश कर देता हूँ जिसको मैंने स्पॉट किया था लेफ्ट साइड की ओर। तो जैसे इधर आता हूँ, बंदा स्पॉट हुआ, पता नहीं साइड वो ऑफलाइन की क्या कर रहा था, एक बार क्राउच कर रहे थे बेटा, पहले तो हिला नहीं, नॉक कर देता हूँ। जैसे आगे बढ़ता हूँ, फुट स्टेप आया, साउंड आया फायरिंग का, नहीं बेटा फिर से ये बोर्ड है, बोर्ड अंकल है। जैसे बोर्ड अंकल को फिनिश करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो गाइस, अगर गेम प्ले आपको पसंद लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो के लिए। जो बंदा को नॉक किया था उसको फिनिश करने जाता हूँ। जैसे मैं अभी कंटेनर के ऊपर चल के जाता हूँ, क्योंकि वो आसपास ही होना चाहिए था, मैं ऊपर से जाता हूँ। जैसे ऊपर आता हूँ, शायद वो बाहर में है, वो बाहर पे है, उसका उम्मीद ही नहीं है कि अपना टीममेट आके बचाएगा। जैसे उसको फिनिश करके जाता हूँ, उसका टीममेट आ जाता है इधर में लेफ्ट साइड के ये वेयर हाउस वाले में, मेरा टीममेट मार्क करता है। तो इधर आके मैं फाइनली इसको भी नॉक कर देता हूँ और फिनिश डाल देता हूँ। शायद उसका ये बंदा सोलो आया था बल्ला लेने। तो हम लोग ये जगह को तो क्लियर करके चला जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि जोन भी आ रहा था, तो हम लोग जाना हो रहा था इधर से। तो जैसे यहाँ से निकलता हूँ, आ जा बेटा, कितना देर करवाएगा और कितना रुकाएगा, यहाँ से निकल जाता हूँ। तो फायरिंग का साउंड आया इधर लेफ्ट साइड के साइड में, फायरिंग का साउंड आया, मार्क कर रहे हैं, बंदा स्पॉट किया है, ये तो फिर से बॉट निकला। गाइस देखो गाइस, इतना सस्ता वाला रिफ्लेक्स है, गोली भी नहीं लग रहा है, कहीं जा रहा है कहाँ जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जैसे इधर आता हूँ आगे के और, मेरा टीममेट मार्क करते कि इधर बंदा है, तो बॉट को तो नहीं मार पाया, तो बंदा को माने जाता है। देखिए गाइस कैसे दौड़ के जा रहा है, एकदम नेक्स्ट ओलंपिक के लिए दौड़ के जा रहा है। कि गाइस कमेंट करके बताना वैसे नेक्स्ट ओलंपिक कब है। तो जैसे ऊपर जाता हूँ, उसका टीममेट भी आसपास होगा साइड। तो जैसे ऊपर आता हूँ, मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है, इधर ही है, उसको जाम एंड शूट मारता हूँ, फिनिश हो जाता है। वो आखिरी बंदा था शायद, जो हम लोग ने जोजोपुर में फाइल लिया था, वही स्कोर होगा। तो इधर आता हूँ तो मुझे बंदा एक स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ पहाड़ के साइड पर। तो यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि हाई ग्राउंड से बहुत एडवांटेज है, अगर बंदा वहाँ पे होगा तो आराम से इजीली हम लोग को मार सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, बंदा स्पॉट हो जाता है वही जगह पे जहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो बंदा स्पॉट हो जाता है, तो मैं स्प्रे देने के लिए कोशिश करता हूँ आगे जाके, तो फिर से मुझे एक बहुत अंकल स्पॉट हो जाता है, तो उसको भी नॉक फिनिश डाल देता हूँ, क्योंकि किल चोरी हो जा सकता है पता नहीं। तो मेरा डिसीजन चेंज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो हाई ग्राउंड था, तो मैं फॉल बैक हो जाता हूँ, एकदम रोटेट दे देता हूँ। तो बंदा को स्पॉट हुआ, फिर से स्प्रे देता हूँ, बंदा लीड है, पीछे भाग गया। तो मुझे भी यहाँ पे रोटेशन देना ज़रूरी था, क्योंकि वो बंदा सामने आ जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ में हम लोग आगे चला जाता हूँ। जैसे आगे चला जाता हूँ, पता नहीं मेरा टीममेट क्या कर रहा था पीछे में, मैं आगे चला जाता हूँ, वो लोग पीछे ही रह जाते हैं। तो मैं रीच का सामने पहुँच जाता हूँ, वो लोग पीछे रह जाते हैं। मैं तुरंत यहाँ में हील करके आगे जाता हूँ विद M249। मेरे पास M249 यहाँ पर रीलोड होना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वाड है वहाँ पर, और वो रिस्क के सामने पहुंच गया।
तो जैसा मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, मेरा टीम में नॉक एक डाउन, एक दूसरा डाउन, फुल स्क्वाड भाई, यहाँ में पुश कर रहे सभी लोग, मैं हूँ अकेला भाई 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 भाई। एक बंदा आया डाउन, दूसरा डाउन, नहीं बेटा डाउन, तीसरा आया, ये भी डाउन, लास्ट एनिमी, फाइनली हमने यहाँ में सोलो वर्सेस स्क्वाड पूरा पुश कर दिया। तो फाइनली हमने यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड कर दिया। अगर ये क्लच आपको पसंद आया तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फिर से, जो भी चैनल पे नया हुआ है। तो हम लोग वहाँ से क्लियर करके इधर आ जाता हूँ, बंदा स्पॉट हुआ था तो इधर गाड़ी रुकता हूँ। चार नंबर क्या ही जोश भरा हुआ था, वो आगे आगे बढ़ जाता है, तो मुझे तो पता नहीं था कितना बंदा था, बस एक ही बंदा स्पॉट हुआ था। तो मैं रुकता हूँ इधर, क्योंकि बंदा को स्पॉट करने के बाद ही पुश करते हैं अपन पर। तो जैसे इसको नॉक कर देता हूँ एक बंदा को, तो मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि कितना बंदा था, तो मुझे आगे जाने के लिए खतरा था, तो मैं आगे ही नहीं बढ़ता हूँ। तो उसको नॉक और फिनिश करते हैं। फिर से दूसरा बंदा आया, उसको भी डैमेज कर दिया। शायद मुझे यहाँ पे आगे जाना चाहिए था, मैं फॉल बैक हो जाता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। तो वो लोग इधर क्लोज इन कर रहे हैं शायद, मैं इधर। तो गाइस मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ में क्या करूँ, तो मैं यहाँ में ग्रेनेड फेंकता हूँ। तो मैं इधर उधर उसको कन्फ्यूजन करने के लिए इधर उधर फुट स्टेप देता हूँ, तो वो भी ऐसा ही कर रहा था, अच्छा प्लेयर था साइड में भी। तो मैं और एक ग्रेनेड फेंकता हूँ लेफ्ट साइड की ओर, फिर से और एक ग्रेनेड फेंकता हूँ मैं राइट साइड की साइड। तो आगे देखिए गाइस, मैं थोड़ा बहुत फॉल बैक हो जाता हूँ पीछे की ओर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।